मुइया के गोट देखैया जम्मो संगवारी मन ला हमर जय जोहार। संगवारी हो रंग बिरंगा फूल हर सबला आनंदित करते, संगे संग एहर हमर तनाव ला दूर घलो करते। जी हाँ, आज हमन बात करत हन आगामी मौसम मा फूल के खेती के तैयारी ला कैसे करन ए विषय मा। और जानकारी देहे बर हमर स्टूडियो मा हमन आमंत्रित करे हन डॉक्टर जेएल शर्मा जी ला, आपर प्रमुख वैज्ञानिक हवा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर मा। शर्मा जी, हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, जय जोहार। जय जोहार। जैसे कि हमारा आज के विषय है कि आगामी मौसम में फूल के खेती की तैयारी ला हमन कैसे करन, तो सबले पहली तो हमन आपसे ये जानना चाहत हन कि छत्तीसगढ़ में फूल के खेती की का संभावना है, का कर सकते हैं किसान भाई मन यहाँ खेती, कि यहाँ पर एक मौसम उपयुक्त नहीं है? नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मौसम समस्त प्रकार के फूल खेती पर सर्वाधिक उपयुक्त है, और साथ साथ हमारे प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भी भारतवर्ष के मध्य में होए के कारण अगर हम फूल के खेती करबो तो अन्य प्रदेश में भेजे में भी मतलब किसान मन ला फायदा मिली, और साथ साथ अगर हमन ला खेती में आय बढ़ाना है और नया पीढ़ी ला खेती से जोड़े रखना है तो फूलों की खेती भी अत्यंत आवश्यक है, जेकर से किसान के आय भी बढ़ी साथ साथ, और युवा पीढ़ी खेती के प्रति आकर्षित भी होगी, और साथ साथ हमन अपन पर्यावरण के भी अच्छा से सुरक्षा कर सकते। अच्छा, तो कौन कौन से फूल के यदि हमन बात करें तो कौन कौन से फूल के खेती ला हमन छत्तीसगढ़ में कर सकते हैं व्यावसायिक रूप ले? व्यावसायिक रूप से अगर हम देखो तो शुरुआत जैसे हम पहले खेत में कौन कौन से खेती कर सकते हैं, तो खेत में लगाए फूल पर जैसे आप ये देखा तो गेंदा है, गेंदा के खेती हम अच्छा से कर सकते हैं, ये किसान भाई बन सब जन गेंदा का फूल अच्छा पहचानते भी और सब जन बाजार में अच्छा मांग भी बने रहते। दूसरा फूल है ये आपके रजनीगंधा, ये पूरा वर्ष भर फूल देते और एकर ये खेती कंद से लगाए जाते, ये देखो कंद है, एकर विस्तृत चर्चा अपन साथ साथ करबो। दूसरा हो गए रजनीगंधा, और तीसरा खेत पर लगाए के फूल है जैसे ये मोंगरा, मोंगरा है, हाँ। मोंगरा के भी लगातार डिमांड बने रहते। ओकर बाद खेत में लगाए के चौथा फूल हवे सेवंती, ये आप देखो तो सेवंती के पौधा है, सेवंती के भी अच्छा मांग रहते तो इला लगाए जा सकते। ओकर साथ साथ आप देखो ये गुलाब है, गुलाब के है ना, और ये अन्य एक फूल है ग्लेडियोलस, ये ग्लेडियोलस है ना, इला भी कन से लगाए जाते तो ये भी बहुत अच्छा से खेत में लगाए जा सकते हैं। तो ये तो खेत में लगाए के बात हो जो खुला खेत में, पर वर्तमान परिदृश्य में कहा है कि फूलों की उच्च गुणवत्ता पर पाली हाउस में भी फूल की खेती बहुत अच्छा से करे जा सकते, और छत्तीसगढ़ में कई हमारे युवा किसान बहुत अच्छा से पाली हाउस में खेती करके अच्छा व्यावसायिक फूल की खेती करत है और अच्छा लाभ प्राप्त करत है, क्योंकि उन्हें कहा है कि वातावरण के नियंत्रण रहते, वातावरण के नियंत्रण होने के कारण से फूल के क्वालिटी अच्छा थे और साल भर लगातार उत्पादन मिलते। जैसे अब आप देखा तो पाली हाउस में लगाए जो प्रमुख फूल है ये आप देखो, ये जरबेरा है, जरबेरा ये फूल है, करीब एक एकड़ में 20,000 पौधा लगते, और ये एकर बाजार में हमेशा 12 महीने डिमांड बने रहते, और ये करीब 12 महीना फूल देते। अगर एक एकड़ पाली हाउस में अगर हम एकर पौधा लगाथन तो रोज 1500 से 2000 फूल मिली, और ओकर बाद ये फूल के अच्छा मतलब बाजार में डिमांड भी है, एमें रंग भी बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग प्रकार के रंग आते, और ये मतलब दूर स्थान में मतलब भेजे जाने के लिए भी उपयुक्त था वे, मतलब ज्यादा दिन तक अगर चलत हो ही तेकर सतेर और दूर भी भेज सकत हन, और आमदनी घलो बने असन कमा सकत हन एमा, और 12 महीना फूल मिले। और दूसरा फूल जो है पाली हाउस में लगाया है गुलाब, बोला डच रोज बोलते, तो वो जो बाजार में मिलते वो डच रोज के खेती वाला 12 महीना वाला गुलाब के मिलते। ओकर बाद अपन हवे सेवंती, सेवंती जो हम खेती में जो बाहर लगाथन वो कर एक समय रहते ठंड के समय हो सकते, पाली हाउस में करीब करीब 12 महीना हम सेवंती खेती कर सकथन और वो कर अच्छा रेट मिलते, और कुछ बेंगलोर और पुणे किसान मन तो वाला विदेश भी भेजा थे, और साथ साथ एक आर्किड फूल होते। अच्छा, आर्किड, हाँ। आर्किड भी बहुत महंगा फूल होते, एक एक स्टिक 25 से 30 रुपए के बिकते, ओकर भी छत्तीसगढ़ में कई किसान अच्छा से खेती करत है और अच्छा लाभ। तो आर्किड में कई आर्किड बन के तो बेल लगे रही थे तेला उल्ला लगा लेते सब जगह, और ओकर कटिंग काट काट के वाला बेचते हैं ओमन। जी जी जी,
तो ऑर्किड का है कि वो मतलब प्राकृतिक वातावरण से जोड़ के और पॉली हाउस में लगाए जाते तो कर खेती थोड़ा अलग टाइप के रहते पर वो भी बहुत लाभदायक है। तो पॉली हाउस में लगाए पर गुलाब जरबेरा सेवंती और ऑर्किड एक एकर अच्छा लाभ मिलते और अच्छा दूर स्थान तक भेज के अच्छा लाभ कई किसान मर कमाते भी और युवा पीढ़ी बड़े बहुत अच्छा है इनमें शारीरिक परिश्रम कम है और वातावरण से नियंत्रित करके अगर वो मन अच्छा प्रयास करत है और अच्छा मार्केट की व्यवस्था कर लेते तो ये फूलों की खेती बहुत बढ़िया उपयुक्त है और अच्छा लाभ भी देते। तो आगामी मौसम में जैसे कोनो जन अगर जेकर पास खेत नहीं है तेन मन अपन क्यारी में घर के बगीचा में लगाना चाहते हैं या फिर गमला में लगाना चाहते हैं तो ओमन कौन कौन से फूल लगा सकते हैं और बढ़िया तरीके से ओला देखभाल कर सकते हैं। का होते कि देखो हमन एक फूल तो हमन रहते कि घर में सुंदरता अपन मंत्र आदमी मंत्र मुक्त होके देखत रहे अच्छा है तो वो फूल रहते ठंड के मौसम में बहुत बढ़िया खिलते और ओकर थरहा लगाए जाते उसमें जैसे आप गेंदा के से शुरुआत करते हैं तो गेंदा चंदनी गेंदा जला फ्रेंच मेरीगोल्ड बोलते और दूसरा अफ्रीकन मेरीगोल्ड जो पीला वाला गेंदा रहते उसमें छोटे वेरायटी हाइब्रिड वेरायटी भी आते तो वो गमला में भी लगा सकते हैं और क्यारी में भी लगा सकते हैं और साथ साथ अगर अपन और क्योंकि सबसे ज़्यादा तरह के फूल यही शीत ऋतु में ही लगाए जाते तो जैसे कॉसमॉस है फिर कैलेंडुला है फिर लार्क स्पर है डायंथस है फ्लास्क है डेजी है और ये समस्त प्रकार के फूल जो है हम वाला बहुत अच्छे से लगा के और ओकर सुंदरता के उपयोग भी कर सकता है। इनमें से कुछ फूल जैसे डेजी वगैरह है डेजी व्यावसायिक उत्पादन भी करे जा सकते और कई किसान भाई मनेला छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक उत्पादन बिलासपुर तरफ चालू भी करे है तो इला गेंदा के साथ भी मिला के वन माला बनाते तो ओकर अच्छा लाभ प्राप्त हुआ थे। अच्छा तो बने अपन बता था कि कौन से फूल मन ला हमन क्यारी में लगा सकत हन कौन से गमले में लगा सकत हन और खेती बर कौन कौन से फूल के खेती लग करे जा सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमन गेंदा की बात करथन शर्मा जी तो गेंदा की यदि खेती कोनो किसान भाई मन करना चाहते तो ओमन ला कैसे प्रकार के मिट्टी की जरूरत हुई कतका कतका दूरी में कैसे करके पौधा ला लगाएं काका ओमा वो खातू पानी दे में कैसे करें विस्तार से इला बतावा। देखो गेंदा के जो डिमांड है करीब करीब साल भर बने रहते अभी भी छत्तीसगढ़ प्रदेश में दूसरा प्रदेश से आके गेंदा बिकते तो अभी भी हमारे डिमांड के हिसाब से हम अतका उत्पादन नहीं कर पाते तो अगर किसान भाई प्रयास करे तो गेंदा के तीन फसल हमारे कई किसान मन ले थे और अच्छा होकर फायदा भी कमाते। आप पूरा खेत भर एक एकड़ आधा गेंदा लगाओ अन्य फसल के साथ साथ तो ओकर से भी लाभ प्राप्त कर सकता था। जैसे गेंदा में क्या है कि हम पहला फसल जो लगाबो जून जुलाई में लगा देवो तो जितका भी त्योहारी सीजन रहते ये नवरात्रि से जो चालू होते तो हमन दिवाली तक हमारा अच्छा फूल के भी डिमांड रहते और वही बिकते। और दूसरा फसल जो हम लगाबो ओला अक्टूबर नवंबर में लगा देवो तो वो हम मौसम में लगाबो गर्मी तक चली वो गर्मी तक चली। और अभी गर्मी में भी फूल उत्पादन देने वाला गेंदा किस्म आगे है जेकर पौधा बीज से भी और कटिंग से दोनों से तैयार करे जाते तो वो गेंदा वाला अगर हम फरवरी मार्च में लगा देवो तो हम वाला मई जून जुलाई तक गर्मी में भी गेंदा के फूल सफलतापूर्वक मिली वो समय रेट भी अच्छा मिलते। तो हमारे किसान भाई मन अगर सही प्रयास करे तो गेंदा के तीन फसल लगा के 12 महीना गेंदा के उत्पादन कर सकते हैं। अच्छा। तो इसमें विशेष सावधानी ये है कि हम सही किस्म के चयन करें और भूमि की तैयारी जैसे बरसात के समय जो हम गेंदा लगाना है तो जून जुलाई में थोड़ा मेड़ बना के उनमें लगाया जाए जेकर से पानी निकल जाए और अच्छा फूल मतलब बरसात लगे से 15-20 दिन पहले गेंदा का पौधा स्थापित हो जाए तो जेकर से बरसात के कारणों में कोई व्यवधान नहीं उत्पादन आई और ओकर बाद जैसे दूसरा फसल है तो जैसे ही बरसात खत्म होते अक्टूबर नवंबर में वो समय हम ओला लगा सकथन। धान के मेड़ के खाली जगह में भी किसान भाई गेंदा के उत्पादन ले सकते। गेंदा के उत्पादन धान के मेड़ में ले से फायदा क्या होते हमें कीट व्याधि के नियंत्रण में भी सहायता प्राप्त होते। अच्छा। ये बहुत ही अद्भुत चीज है कि आप जो कीट व्याधि धान में लगते होकर नियंत्रण भी प्राप्त होगी और साथ साथ हमारे मन ला नियमित रूप से धान के फसल पके तक जितका भी त्योहारी सीजन आते उनमें हम गेंदा बेच के भी अतिरिक्त लाभ कमा सकते। अच्छा
ये तो हो गए गेंदा के बाद, तो कटिंग ला जिसे हम लगाबो, कटिंग के द्वारा गेंदा के खेती ला करे जा सकते हैं, आपने अभी बताया हुआ, तो कतका कतका इंच के कटिंग ला लगाना चाहिए ते मैं जल्दी से उमा पौधा तैयार हुआ है। आप बहुत अच्छा प्रश्न करे हो। देखो मैं गेंदा के पौधा देख के किसान भाई मतलब देख के समझाना चाहूँ, जैसे अभी ये गेंदा का पौधा है, इला कलकतिया नाम से वैरायटी ज्यादा किसान भाई मन इला बताते कि ये कलकतिया वैरायटी है। तो जैसे ये गेंदा के पौधा है तो फोंक से ऊपर से लेके एक दो तीन चार गठान तक इला काट लेना चाहिए, चार गठान तक। तो ओकर बाद इला काट के हम जमीन में भी लगा सकथन, या जो प्लास्टिक के ट्रे आते उनमें कोकोपीट में लगा सकथन। अच्छा। तो इमें एक गठान मतलब नीचे चले जाइए और बाकी दो या तीन गठान ऊपर रही, रही हाँ। और एक्स्ट्रा पत्ती सबला छाड़ देना है। तो ओकर से का जब नया पत्ती निकल ही तो गेंदा आराम से में जड़ा से, कोई विशेष केमिकल की के भी आवश्यकता नहीं पड़े, तो ये हम पौधा स्वयं तैयार कर सकते हैं। और किसान भाई स्वयं पौधा तैयार कर ही तो जैसे पहले खेत में जो लगाए हैं तो अच्छा फूल गठीला फूल वाला से छाट ले और उला लगा ले। कई बार बरसात में जैसे पौधा गले के संभावना रहते तो वाला पर्ची में तैयार करे या पॉली हाउस में तैयार करे, क्योंकि ज्यादा पानी में ये वाला गेंदा के मतलब पौधा गल जाते, तो बरसात में ही थोड़ा समस्या रहता है, उसमें पॉली हाउस में या घर के पर्ची में पौधा तैयार कर सकते, बाकी समय कोई विशेष समस्या नहीं आए। और गर्मी के समय भी आप अगर पौधा आराम से ट्रे में खुले में तैयार कर सकते हो या पेड़ के छाया में भी तैयार कर सकते हो। तो खुद पौधा तैयार करें फायदा रहते कि हमन ला जो पौधा के लागत लगते वो भी खेती के लागत ला बढ़ाते, तो हम खुद पौधा तैयार करके अपन खेती की लागत ला कम कर सकते। डॉक्टर जी एल शर्मा जी गोट बात हमन आगु आओ भी करबो, पहली ले लेथन एक छोट कन विराम। भुइया के गुट कार्यक्रम में एक बार फिर आप मन के स्वागत है किसान भाई हो। आज हमन बात करत हन आगामी मौसम में फूल के खेती की तैयारी कैसे करें है विषय में, और जानकारी देहे बर हमार बीच हावे डॉक्टर जी एल शर्मा जी, आप हर प्रमुख वैज्ञानिक हव इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। जैसे कि शर्मा जी हमन अभी बात करत रहन गेंदा के, और अब हमन चलथन ये ग्लेडियोला के आप मन बल्ब ला रखे हवा, एला हमन कैसे लगा सकत हन, एहर प्याज असन दिखत है, और एहर एकर खेती ला किसान भाई मन कैसे कर सकत हैं? तो अपन के जो किसान भाई मन जो ठंड में अगर अभी एकर खेती करना चाहते है ना, तो ये बहुत अच्छा चीज है ग्लेडुलस, एकर बहुत पौधा बढ़िया रहते। ये कंद हमन ला खरीदल पड़ते पहले शुरू में, और ओकर बाद एला जैसे बरसात खत्म हो जाते मिट्टी अपन सूख जाते पानी पूरा निकल जाते, ओकर बाद एला लगाना है। लगाए पहले एला का है कि फंजीसाइड डाइथेनम 45 में एला 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ घोल बना के एला डुबा के लगाना है। अच्छा। एक तो पहला काम यह है मिट्टी में लगाए पहले सभी बल्बला तो उपचार करके लगाना है। और दूसरा बात है कि जैसे खेत की तैयारी कर, हम खेत बढ़िया जुताई करके भुरभुरा बना ले, ओकर बाद खेत में बढ़िया से गोबर खाद डाल ले, ओकर बाद ये लाइन से लाइन लगाना है। तो दो लाइन्स के बीच में दूरी 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए, और 20 सेंटीमीटर की लाइन खींच के उसमें गोबर खाद डाल के इला 10-10 सेंटीमीटर में एक एक कंदा लगा देना। अच्छा, है ना। तो इला घन कंद या कार बोलते तकनीकी रूप से, क्योंकि प्याज से थोड़ा ये अलग होते दिखे में वैसे लगत है लेकिन थोड़ा कम अलग, प्याज से ये अलग चीज है। तो अब इला कहा है कि 10-10 सेंटीमीटर में लगाना है, ओकर बाद इला मिट्टी से अच्छे से ढक देना है, और धीरे धीरे देखो ये उग गए है, ये पूरा पत्ती के रूप में बाहर निकल जाए। पत्ती के रूप में बाहर निकले के बाद एक दो बार कम से निंदाई गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ाना है, ओकर बाद धीरे धीरे 70 से 80 दिन में एकर फूल तैयार हो जाते। अच्छा। लगाए से 70 से 80 दिन के बाद एकर फूल तैयार हो जाते। अब फूल तैयार होने के बाद इला जब कम से कम दो आप फूल देखथन तो ये फूल जैसे रहते ना ऊपर के दो तीन फूल खिल जाए तो ओला का करते ओला देख लेना चाहिए, जहाँ ओकर जैसे ओकर ऊपर ऊपर फूल निकले तो नीचे के फूल जैसे देखो, जहाँ से फूल एक दो थोड़ा रंग दिखाना चालू करिस तो वही समय ओला काट के बेचना है।
तो एकर से एक बाजार में एक हफ्ता तक कम से कम टिकते, पहले दूर बाजार तक भेजे जा सकते। अब ये बहुत तरह तरह के रंग आते और बहुत आकर्षित रंग आते, तो ये ठंड के समय के प्रमुख फूल है, एकर खेती अच्छा करे जा सकते। अब अगले साल किसान भाई मतलब क्या करना है, जैसे एक कंद लगाए तो एक कंद से एक ही फूल निकलते या कभी कभी दो भी निकलते, तो ओकर बाद निकाले के बाद जैसे जैसे ओकर पत्ती अप्रैल में सूख जाए, पत्तील काट देना चाहिए, और जब ये पूरा मिट्टी में कंद ऐसे सूख जाए तो ओला उखाड़ लेना चाहिए। अच्छा, उखाड़ के ओला फिर अलग करके साफ करके अगर झिल्ली वगैरह निकाल के और एक साइड में छोटे छोटे कंद निकल जाते, हाँ, बल्ब निकल जाते, हाँ। ओला भी अलग कर लेना, ओला गोटी टाइप का रहते ओला भी अलग कर लेना है, और ओला निकाल के बढ़िया सुखा के बोरम भर के कोल्ड स्टोरेज में रखना है। अच्छा, बाहर में रखे में पूरा खराब हो जाए, तो बोरा में भर के जैसे जो आलू प्याज के बोरा रहते वही छेद वाला बोरा में भर के वहां रखना है कोल्ड स्टोरेज में, क्योंकि ये बल्ब खरीदे में महंगा पड़ते, किसान भाई स्वयं अपन बल्ब बना सकते या दूसरा वाला बेच भी सकते, और जो छोटा जो गोटी वाला बल्ब निकले है वाला फिर से लगा देना चाहिए ताकि तो, बड़े हो जाए, हाँ, तो हम बड़े हो जाए फिर वाला अगले साल लगा सकते, लगा सकते हैं, हाँ। तो ये ग्लैडियोलस की खेती बहुत लाभकारी है, पर हमन ला सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि जो ये चीज है तो इला रखे के बाद कोल्ड स्टोरेज में रखना है, और अगर हम खुद एकर कंद प्रकंद ये जो घन कंद रेडी करबो खुद लगाओ तो हमारे में लेकर लागत बची और फूल के पल्ला अच्छा व्यवसाय करे में लाभ मिली, और ये जो एकर जो ये जो कार्म बनते जला घन कंद बोले जाते इला हम का कर सकते, दूसरा किसान ला बेच के ओकर से भी लाभ कमा सकता, तो फूल के साथ साथ हम एकर रोपण सामग्री के भी विक्रय कर सकते हैं। तो किसान भाई वो ये ध्यान दे कि जरूरत है कि जब भी ग्लेडियोलस के हमन खेती करबो तो एकर कंद हर जो फसल हो जाए ओकर बाद वाला कोल्ड स्टोरेज में रखना जरूरी है, जैसे कि शर्मा जी हर बताइस, नहीं तो एकर कंद हर गल जाते या फिर खराब हो जाते। तो यहाँ मैं देखा था शर्मा जी की रजनीगंधा के भी पौधा ला आप मन लाए हवा, तो एकर खेती ला किसान भाई मन कैसे करें? तो जैसे अभी अपन ग्लेडियोलस की बात करें तो ग्लेडियोलस में का एक लिमिटेशन रहते, ये का करते साल में एक ही बार फूलते, एक बार फूलिस बोला फिर उखाड़ के गर्मी में वहाँ कोल्ड स्टोर में रखना है। पर ये रजनीगंधा जो है ये भी ओकरे टाइप से कार्म से ही लगते, हाँ। जो आप देखा थे देख लो ऐसे ये निकलते है ना, तो ये भी वही टाइप की रचना से लगते, हाँ। एला भी कार्म या घनकंद बोलते, तो पर एमे फायदा ये है कि हम एला एक बार लगा देबो तो ये साल भर फूल देते। अच्छा, हाँ, ओमे एक कंद से एक ही फूल निकल ही और वो सीजन के हिसाब से खत्म हो, ठंड के फूल है ये करीब करीब 12 महीने हम मतलब फूल देते, और ये देखो ये फूल लेकर ये देखो डोठू निकल शुरू हो गए, तो ये जो फूल के डोठू निकलते वो दिखा थे, तो ये जैसे आप साइड में देखा तो जितना एकर कली निकल ही 1 2 3 4 ये बढ़त जही है, देखो छोटे भी दिखा थे, जैसे जैसे निकल ही सब ये फूल है। अच्छा, ये निकलत बहुत सारा एक से कम 20 से 25 फूल साल भर में निकलते, और जैसे ये फूल फिर एक साल बाद इला खोद लेना चाहिए, और खोदे के बाद जितका ये कली सब अलग करके फिर से लगाना चाहिए। अच्छा, तो फिर उत्पादन देगी, तो एमे का है एक बार खरीदल पड़ ही और बार बार खरीदे की जरूरत नहीं है, और किसान भाई ये जो मतलब घन कंद है कार्म है दूसरा ला बेच के भी लाभ कमा सकते, तो ये में एक तो कीड़ा बीमारी की समस्या बहुत कम है, बहुत सुगंधित फूल है, बाजार में एकर 12 महीना डिमांड बने रहते, तो अगर हम इला एक आध एकड़ में लगा लेबो तो रोज हमन ला 500 से 700 फूल मिल ही, ओकर बाद मौसम में ज़्यादा मिल सकते, तो एकर मतलब लगातार फूल के उत्पादन करके हम एकर बेच के लगातार लाभ कमा सकते हैं रजनीगंधा खेती में। सेवंती भी घलो माढ़े है शर्मा जी, हाँ। सेवंती के बारे में भी कुछ बता दे, काबर के भी ठंड के मौसम में हर बगीचा में हर घर में हमन ला सेवंती हर देखे वर मिलते, तो हाँ। कैसे एकर हमन, हाँ। खेती भी कर सकत हन और क्यारी में भी कैसे लगा सकत हन, कतका दूरी में कटिंग करके लगाना चाहिए ला? सेवंती के हजारों प्रकार के किस्म थे, तो एकर का है सेवंती के दो तरह के उपयोग है, तो लोग घरेलू में भी लगाते और इला व्यवसायिक स्तर पर भी लगाते, तो सेवंती ला का करे जाते कि एकर कटिंग हम अभी अगस्त सितंबर में पुराना पौधा से कटिंग एला निकाल के लाख नया पौधा तैयार कर लेता, ओकर बाद एला जैसे बरसात खत्म होते गमला में या क्यारी में लगाना चाहिए। ये पौधा के गुणवत्ता यही है कि जब दिन के सूर्य के प्रकाश के अवधि कम हो जाते, जैसे ही अपन
अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो जैसे सूर्य के प्रकाश जो अभी 12 घंटा है दिन में वो 10 घंटा से कम हुई, तो उनमें फिर फूल आना चालू हो। अच्छा, मतलब तापमान हर कम होना चाहिए कर नहीं, प्रकाश की अवधि अवधि कम होना, सूर्य के प्रकाश की अवधि कम होना चाहिए। अच्छा, तो सूर्य के प्रकाश के अवधि कम होने के ला बोला ट्रिगर देते, बोला पौधा समझ होते कि अब सूर्य के प्रकाश की अवधि कम हो गए ओकर बाद ही में फूल आते। तो अभी जैसे कई है सेवंती लगाए हैं, मुर्गा पूछे सर एकोटन फूल नहीं आते, तो भाई एकर जो मतलब बटन है या अगर ट्रिगर है वो प्रकाश की अवधि है, सूर्य के प्रकाश की अवधि जैसे ही कम हो ही एमें अपार अपार फूल आई। तो ये बहुत समझने वाला बात है, इला कट फ्लावर के रूप में गेंदा जैसे बेचे जाते और साथ साथ इला पॉली हाउस में लगावो तो इला लंबा एक पौधा लगा करीब 1 मीटर के पौधा हो जाते, उसके बाद में केमिकल स्प्रे करके एक साथ फूल खिला जाते। अच्छा, तो एक पौधा में कम से कम 20-30 फूल के गुच्छा बनते हैं, एक स्टिक बन जाते। तो ये फूल ऐसे है कि मतलब अगर खुला खेत में लगावो तो एक मतलब प्रबंधन अलग है, वो हिसाब से फूल मिली, और अगर पॉली हाउस में लगाओ तो एक प्रबंधन बहुत अलग है और एक मतलब गुणवत्ता युक्त फूल भी प्राप्त हुई, एक रेट भी अच्छा मिली। और गुलाब के भी पौधा दिखा थे शर्मा जी। हाँ। गुलाब के खेती तो वैसे तो पहले से बहुत किसान भाई मन करत हैं, लेकिन का का सावधानी रखना चाहिए, जैसे खेती हम करत है फूलों के किसान भाई मन, तो सावधानी के का का जरूरत पड़ते इला करे माँ? गुलाब में देखिए कि अभी वर्तमान में जो बाजार में जो गुलाब में रेट मिलत है वो पॉली हाउस वाला गुलाब ही है। हाँ। जो खुले में जो गुलाब की खेती वर्तमान में जो संभावना है, जैसे गुलाब के जो उत्पाद बनते, गुलकर बनते, गुलाब के रस बनते, गुलाब के इत्र बनते, गुलाब जल बनते, ओकर बर खुला में खेती करना चाहिए। पर वर्तमान में जो बाजार में जो फूल के डिमांड है, वो डच रोज बोलते उसमें सुगंध नहीं आया, फूल बहुत दिन तक ऐसे खिल ही और वही स्थिति में, तो बोला डच रोज बोलते, तो वो सिर्फ पॉली हाउस में खेती होते। पर जो हम गुलाब के उत्पाद बनाना चाहते जैसे गुलकंद है मेरा बताया, गुलाब जल है, गुलाब के शरबत है, या जो भी उत्पाद पर हम खुला में खेती कर सकते और खुला में खेती करके उत्पाद बना के भी हम अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, किसान भाई मन शुरू भी करे है और एक पर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट एक उत्पाद बनाए से ज्यादा लाभ मिलते। तो वर्तमान में जो खुला खेती है ओकर ज्यादा लाभ उत्पाद बनाए में भी है और जो फूल बेचे के पॉली हाउस में ही ओकर खेती करना चाहिए। जैसे ये सब फूल मनना लगाते किसान भाई मन, तो का का चीज के सावधानी रखना चाहिए कि मतलब कैसे चुनाव करें, का चीज करें, क्या क्या करना चाहिए, मतलब ये बताओ विस्तार से। ये बहुत जरूरी चीज है, जो नया उद्यमी मन जो फूल की खेती करके अच्छा लाभ प्राप्त करना चाहते, आपके बहुत अच्छा प्रश्न है, उमन अक्सर हमारे कर संपर्क करते, तो मैं तो उमन ये बताता हूँ कि एक ही फूल पर निर्भर मत रहो, आप कम से कम 4-5 फूल की खेती थोड़ा थोड़ा एरिया में करो। तो जेकर से क्या है, बाजार में कोई एक फूल नहीं खरीदे, आदमी दुकान वाला मन भी जो बाजार में विभिन्न प्रकार के फूल एक साथ बिकते, तो पहले ये देखो कि एक फूल पर निर्भरता ना रखे, 4-5 प्रकार के फूल की खेती अपन साथ में करें, तो आप ला बेचे में भी सुविधा हुई और आप ला अच्छा भी लाभ प्राप्त हुई। तो ये ला पहला तो ये चयन में ध्यान रखन कि हम विभिन्न प्रकार के फूल जो बाजार में मिश्रित रूप से उपयोग होते हैं, जैसे बुके भी बनाए जाते हैं, तो उनमें अलग अलग फूल के सबकी खेती एक साथ करन और एक साथ बेचन, तो हम ला हर मौसम में कोई न कोई फूल मिलत रही और हम लगातार आय के स्रोत बने रहे। हाँ। और दूसरा बात यह है कि हम बाजार के मांग देख ले, फूल के खेती कर रहा था त्योहारी सीजन में, शादी सीजन में, या न्यू ईयर में, या कोई विशेष दिन फूल के बहुत ज्यादा डिमांड रहते। हाँ। जैसे कोई त्योहार हो गए तो वो हिसाब से हम फूल के उत्पादन वो हिसाब से करें कि वही दिन वो समय में वो दिन हमारे ज्यादा ज्यादा फूल बाजार में बेच सकें, तो अपन रेट ज्यादा मिले। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फूल में जो फूल लगाए के रोपण सामग्री है, जैसे हम बात करें घन कंद है, एक कटिंग है या बीज है, ये बहुत महंगा थे। तो अगर किसान भाई अगर स्वयं के रोपण सामग्री तैयार कर ही तो मतलब निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिल ही और रोपण सामग्री बेच के भी लाभ कमा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी एल शर्मा जी, आप फिर हमारे स्टूडियो में आए, अतका कम समय में अतका बढ़िया जानकारी दे, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। तो संगवारी हो, आप हमन से ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकत हो, हमार ईमेल के पता हर है socialmedia.ddk@rayapur.gmail.com। और अब हमला देवो विदा, जय जोहार।
We'll be right back.